आज देश बचाओ अभियान सामाजिक संगठन एवं महिला संगठन के संयुक्त तत्वाधान में जयप्रकाश नगर अवस्थित संपर्क कार्यालय में बैठक हो रही है। इस बैठक में उपस्थित हैं देश बचाओ अभियान से जुड़े हुए तमाम सामाजिक कार्यकर्तागण। सबसे पहले सबों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं उस पर चर्चा हुई है कि विगत सप्ताह खगड़िया जिला के धोबिया टोली में एक नाबालिग लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, मात्र 3 साल के बच्ची के साथ, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। साथ ही विगत रात में भदास में एक भिखारी के बेटियों के साथ भी दुष्कर्म किया गया है, उसका भी हम घोर निंदा करते हैं देश बचाओ अभियान के बैनर तले। साथ ही आज पूरे देश में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देते हैं, लेकिन वहीं दूसरे तरफ आज देश की बेटियों के साथ किस प्रकार से दुष्कर्म किया जाता है, एक से एक तथा कथित लोगों द्वारा, यहाँ तक कि भाजपा के सांसद के द्वारा महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उन लोगों को क्लीन चीट दे करके जेल से बेल दे दिया जाता है, इसका भी मैं घोर निंदा करता हूँ। विगत दिनों आपने देखा कि किस प्रकार से योग गुरु रामदेव बाबा ने महिलाओं के प्रति, पहनावा के प्रति किस प्रकार से यह अपना बयान जारी करते हैं कि महिलाएं बिना कपड़ों के बहुत अच्छी लगती हैं, ये जो विवादित बयान देने का काम कर रहे हैं इसका भी हम घोर निंदा करते हैं। और इसके पीछे निश्चित तौर पर ये भाजपा और आरएसएस देश में एक पश्चिमी सभ्यता को लागू करना चाहते हैं और महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जिसका देश बचाओ अभियान पुरजोर विरोध करती है, निंदा करती है। साथ ही हम तमाम जो इस प्रकार की घटना घट रही है पूरे देश में, इसका हम घोर निंदा करते हैं और जो दोषी है, खास करके खगड़िया के संदर्भ में जो दोषी है